Animals by Walt Whitman. Question and answers. Notice the use of word turn in the first line. I think I could turn and live with animals. What is the poet turning from? From नहीं है वो from है ठीक है. Here meaning of the word. तो question का क्या मतलब हुआ कि जो poet ने first line में use किया है word turn. First line क्या है poem की? I think I could turn and live with animals. इसमें जो word turn का इस्तेमाल किया गया है तो poet किस चीज़ से turn कर रहे हैं मतलब change कर रहे हैं. Here meaning of word turning is changing direction. Poet जो है वो change कर रहे हैं बदल रहे हैं अपनी दिशा बदल रहे हैं. किस चीज़ की दिशा बदल रहे हैं? Change his way of living life. किस चीज़ की दिशा बदल रहे हैं? अपनी life जीने की दिशा बदल रहे हैं. His ethics. Ethics का मतलब होता है moral principle मतलब नीति शास्त्र मतलब जिस वे से आप अपने life को जीते हैं ठीक है. In order to live a life with the animals in their way तो अपने life को जीने के जो principles हैं मतलब जो rules बनाए गए बनाता है एक आदमी अपने लिए वो बदलना चाहते हैं. और क्यों बदलना चाहते हैं? क्योंकि वो animals की तरह रहना चाहते हैं ज़िंदगी ठीक है. आप क्वेश्चन नंबर टू मेंशन थ्री थिंग्स दैट ह्यूमंस डू एंड एनिमल्स डोंट. तीन चीज़ें जो इंसान करता है और जानवर नहीं करते. Three things that human do and animals don't are human beings complain about the conditions in life whereas animals don't. अब जो conditions या situations human being की life में आती है कि इंसान की life में आती है वो उसके लिए complain करता है कि मेरे को ऐसे क्यों मिला मेरे को वैसे क्यों नहीं मिला मुझको उतनी अच्छी लाइफ स्टाइल क्यों नहीं मिली जो मेरे दूसरे दोस्त की है ठीक है. जबकि एनिमल्स ऐसा नहीं करते हैं कभी भी. सेकेंड पॉइंट दे वीप इन द नाइट टाइम फॉर देयर सिंस. जो ह्यूमन बींग्स हैं वो रात को अपने सिंस मतलब जो पाप उन्होंने किए होते हैं उनके लिए रोते हैं. उन्हें नींद नहीं आती क्योंकि उन्होंने बुरा किया होता है कुछ. जबकि एनिमल्स नहीं रोते हैं ठीक है क्योंकि उन्होंने कुछ बुरा नहीं किया होता कोई पाप नहीं किया होता है. थर्ड पॉइंट ह्यूमन्स गिव इंपॉर्टेंस टू मनी एंड लग्जूरियस थिंग्स वेयर एज एनिमल्स डोंट. इंसान जो है वो अहमियत मतलब इंपॉर्टेंस किसको देते हैं? पैसे को और एक अच्छे जीवन को मतलब लग्जूरियस मतलब आराम से वो जीवन जी सके. जबकि एनिमल्स ऐसे जीवन को इंपॉर्टेंस नहीं देते. अब क्वेश्चन नंबर थर्ड डू एनिमल्स नील. नील मतलब अपनी नीज पे बेंट होकर किसी को रिस्पेक्ट देते हैं क्या? टू अदर ह्यूमंस हू लिव्ड थाउजेंड्स ऑफ इयर्स अगो. क्या ह्यूमंस ऐसा करते हैं इंसान ऐसा करते हैं कि अपनी नीज पर बेंट हुए और जो उनके पूर्वज हैं उनको क्या कहते हैं क्या रिस्पेक्ट देते हैं? डिस्कस इसे डिस्कस कीजिए ठीक है. इसका आंसर है येस ह्यूमन बींग्स नील डाउन टू द वंस हु लिव्ड थाउजेंड्स ऑफ इयर्स अगो. थाउजेंड्स ऑफ इयर्स अगो इसका मतलब जो इंसान हजारों साल पहले आपसे रह चुके हैं मतलब आपके पूर्वज. हाँ ह्यूमन बींग्स झुकते हैं उनके सामने. किन के सामने? अपने पूर्वजों के सामने जो उनसे हजारों साल पहले रह चुके हैं. अब वो गॉड्स भी हो सकते हैं एंसेस्टर्स मतलब हमारे पूर्वज भी हो सकते हैं. वी हैव अ सेंस ऑफ रिस्पेक्ट टुवर्ड्स देम. हम हमारे मन में क्या होता है उनके प्रति रिस्पेक्ट होती है इज्जत होती है ठीक है. वी फील इन्फीरियर टू देम. हमें क्या लगता है कि हम उनसे इन्फीरियर हैं मतलब उनसे थोड़ा कमज़ोर हैं एक्सपीरियंस के टर्म्स में हार्डवर्क के टर्म में क्योंकि हम मानते हैं कि हम उतनी मेहनत नहीं कर सकते या फिर हमें उतना एक्सपीरियंस नहीं है हमें पता नहीं है चीज़ों के बारे में जैसे उन्हें पता है ठीक है. वी ऑल्सो कंसिडर दैम एज मोर वाइज और हम उन्हें और समझदार भी मानते हैं और ऐसे व्यक्ति जिनके पास हमसे ज़्यादा नॉलेज है हमसे ज़्यादा ज्ञान है ठीक है. अब लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर व्हाट आर द टोकन्स. किन टोकन्स की बात की गई है ठीक है. द पोएट सेज ही मे हैव ड्रॉप्ड लॉन्ग अगो. अब किन टोकन्स की बात की गई है जो पोएट ने बहुत पहले गिरा दिए थे एंड विच द एनिमल्स हैव केप्ट फॉर हिम और जो एनिमल्स ने उसके लिए रखे हैं. द टोकन्स आर सिम्बल्स ऑफ गुड क्वालिटीज. टोकन्स किस चीज़ को दर्शाते हैं किस चीज़ को दिखाते हैं किस चीज़ को सिम्बलाइज करते हैं? गुड क्वालिटीज़ को हमारी अच्छी क्वालिटीज़ को. दैट ह्यूमन बींग्स हैड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो वो अच्छी क्वालिटी जो हम पे हजारों साल पहले हुआ करती थी. द गुड क्वालिटीज ह्यूमन बींग्स हैड वर इनोसेंस मतलब हम कैसे थे बहुत ही नादान थे हमें ज़्यादा कुछ पता नहीं था ठीक है. और काइंड थे दयालु थे. नादान का मतलब हम बेवकूफ़ नहीं थे लेकिन हम जो थे वो चीज़ों को तोड़ जैसे आज है हम तोड़ मरोड़ कर चीज़ों को दिखाने की कोशिश करते हैं और गलत को भी सही दिखाने की कोशिश करते हैं जबकि पहले इंसान जो थे बहुत ही सीधे साधे थे. अब इनोसेंस की बात की जाए थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो ह्यूमन बींग्स डिड नॉट हैड एनी ग्रीड और जेलेसी. हज़ारों साल पहले इंसानों के मन में ना तो कोई ग्रीड था मतलब लालच भी नहीं था और किसी दूसरे के प्रति जलन भी नहीं होती थी ठीक है. दे वर अनअवेयर ऑफ दी स्ट्रेट्स हमें पता भी नहीं था कि ऐसी चीज़ें भी होती हैं एंड दिस मेड देम इनोसेंट और इस वजह से इंसान पहले इनोसेंट थे. अब काइंडनेस को थोड़ा और डिटेल में बताते हैं. दे वुड ट्रीट ईच अदर इक्वली विद नो डिस्क्रिमिनेशन. पहले हम एक दूसरे को इक्वल ट्रीटमेंट देते थे और किसी के साथ भेदभाव नहीं करते थे. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू.